जर्मन टेन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर। बहादुरपुरा एमएलए मोहम्मद मुबीन ने रमनसपुरा डिवीजन के इलाके मक्का कॉलोनी फेज 1 और फेज 2 और लेबर अड्डा खिजरा होटल के पास जीएचएमसी वाटर वर्क्स और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के साथ पहला दौरा किया और आवाम के मसाइल को देखा। इस मौके पर रमनसपुरा डिवीजन कॉर्पोरेटर अब्दुल खदीर भी मौजूद थे, वो खबर आप देख सकते। आज सदर मोहतरम नखीबे मिल्लत आली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवी साहब मेरा पार्लियामेंट की हिदायत के ऊपर मैं और हमारे रमनसपुरा डिवीज़न के कॉर्पोरेटर जनाब मोहम्मद खादर साहब, ताड़बा नासिर खाना अमीन कैफे और मनीष पब्लिक स्कूल काला पत्थर इंदिरा नगर मक्का कॉलोनी तमाम इलाक़े का पैदल दौरा किए और आवाम से जो शिकायत थी उन शिकायतों को सुना गया। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबाना नुमाइंदगी के ऊपर जो बूस्टन स्कूल के आजू और बाजू के जितने गलियां हैं उन गलियों के अंदर जो है सीवरेज लाइन का काम और वाटर लाइन का काम मुकम्मल हो चुका है, क्योंकि सदर मोहतरम ने उस कामों का इफ्तिताह किया था। अल्हम्दुलिल्लाह वो काम कम्प्लीट हो चुका है और जिसकी लागत 30 लाख रुपये है, और जिन गलियों के अंदर सीवरेज लाइन और वाटर लाइन डाली गई है वहाँ पर भी जो सीसी रोड्स तमाम डैमेज हो चुके हैं तो उसके भी हमने एस्टीमेट्स को बनाया है। हमारे मुतालिका ऑफिसर्स डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर असिस्टेंट इंजीनियर तमाम जीएचएमसी के होदेदार मौजूद थे, उनको बताया गया है और वो तमाम कामों को जल्द से जल्द सैंक्शन करवा के उन गलियों के अंदर रोड भी डाली जाएगी और साथ ही साथ काला पत्थर पुलिस स्टेशन से लेकर जो खिजरा होटल जो पुराना लेबर अड्डा काले पत्थर का है वहाँ तक के जो 1,20,00,000 रुपए की लागत से वीडीसीसी रोड सैंक्शन है इंशाल्लाह ताला उसका भी हमने मायना किया और वो काम जल्द से जल्द यानी आज उसको मार्कोड दिया जा रहा है। एक मैं समझता हूँ 3 या 4 दिन के अंदर वो काम भी शुरू होगा। जहाँ पर स्टॉर्म वाटर ड्रेन डैमेज है उसको भी कवर किया जाएगा और पूरा एक बहुत बड़ी रोड है ये इंशाल्लाह ताला 1,20,00,000 की लागत से है। इंशाल्लाह 4 दिन के अंदर वो भी काम शुरू होगा और साथ ही साथ जो आवाम की मक्का कॉलोनी के पास 2 गलियों के अंदर वाटर लाइन नहीं है बोलकर आवाम ने शिकायत की थी उसको भी हम जीएम साहब से कहा है इंशाल्लाह ताला वो भी काम को सैंक्शन लेकर जो 2 गलियों के अंदर वाटर लाइन नहीं है वो 2 गलियों के अंदर भी काम को करवाया जाएगा। आज के इस दौरे के अंदर हमारे वाटर वर्क्स के जनरल मैनेजर साहब कृष्णा साहब और डीजीएम हकीम साहब और मैनेजर रमेश नायक साहब और जीएचएमसी के डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वेंकटेश्वर साहब, असिस्टेंट इंजीनियर रहीम साहब और असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर रजनीकांत साहब और उनका तमाम स्टाफ एसएफएस और तमाम जितने भी वर्क इंस्पेक्टर्स है आज के दौरे में शामिल थे और हमारे इब्तदाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम सुदूर मुतमदीन तमाम आज के दौरे में शामिल है। और मैं इस मौके के ऊपर सदर मोहतरम का शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि सदर मोहतरम ने करोड़ों रुपए के हल्का असम्बली बहादुरपुरे के अंदर कामों को सैंक्शन करवाए हैं। उन कामों को हम स्पीड करवाने के लिए जो आवाम से जो शिकायत वसूल हो रही थी उसको भी हम देखा जा रहा है और कामों को भी इमीडिएट शुरू करवाने के लिए हम जोर दे रहे हैं, तो लिहाजा 1-3 या 4 दिन के अंदर ये काम शुरू होंगे। और साथ ही साथ मैं तमाम ऑफिसर्स का भी शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि गणेश निमर्जनम होने की वजह से भी रात भर वो लोग जुलूसों के अंदर जो आवाम के तकलीफ़ थी उसको भी वो लोग साथ का साथ वहाँ पर रहकर काम कर रहे थे, उसके बावजूद भी वो सुबह में यहाँ पर 10 बजे तमाम ऑफिसर्स मौजूद रहे। मैं उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आज के दौरे में शामिल थे। माय हेड डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दिगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियत से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मन टेन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर।